हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज हम बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं। हम बनाएंगे किनोआ, जो कि हाई इन फाइबर, हाई इन मिनरल्स और बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ है। तो अगर आप कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करे और साथ ही साथ बहुत टेस्टी भी हो, तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाएगी। तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कप किनोआ, और इस किनोआ को हमें वॉश करना है। तो जिस तरह से हम राइस को वॉश करते हैं, दो तीन पानी से कुक करने से पहले वॉश करते हैं ना, वैसे ही हम किनोआ को भी लगभग दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और किनोआ को वॉश करने के बाद अब ये कुक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलते हैं गैस की तरफ, और यहाँ पर हम एक बर्तन रख लेंगे। मैंने कढ़ाई यूज़ की है, आप पैन में भी कुक कर सकते हैं। और जितना हमने किनोआ लिया था उसका डेढ़ गुना हमें पानी लेना है। तो आप किसी जो कटोरी या जो भी बर्तन में आप किनोआ लेंगे ना, उसी कप या कटोरी से किनोआ का डेढ़ गुना आप पानी ले लीजिएगा। और आप देख सकते हैं पानी अच्छे से हमारा उबलने लगा है। तो अब हम इसमें अपना जो किनोआ हमने वॉश करके रखा है वो डाल देते हैं। जो ये रेसिपी मैं आज बना रही हूँ, इससे आपका किनोआ बहुत ही खिला खिला और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। तो अभी फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है, एक बार ये बॉईल हो जाएगा किनोआ तो फिर मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आना शुरू हो गया है किनोआ के साथ। तो अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको हम ढक देंगे। तो किसी भी लिड से या प्लेट से आप कढ़ाई को या अपने पैन को ढक दीजिए, और इसको लगभग 15 से 18 मिनट लगेंगे बॉईल होने में अच्छे से। तो जब तक ये अच्छे से पानी अब्सॉर्ब नहीं कर लेता है, यानी कि हमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए किनोआ में, तब तक हमें इसको पकाना है। और बस बीच में, मतलब लगभग 7 से 8 मिनट बाद, आप एक बार देख के इसको एक बार इस तरह चला दीजिएगा, और दोबारा हम इसको ढक करके छोड़ देंगे। तो टोटल हम 15 से 18 मिनट के बाद इसको अब चेक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमारा गैस है, और अब 15 से 18 मिनट हो चुके हैं लगभग। तो अब हम लिड को हटा देते हैं, और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा किनोआ हाथ में लेकर के, जिस तरह हम चावल को चेक करते हैं ना, चावल का दाना दबा के कि हमारा चावल अच्छे से कुक हो गया है या नहीं, तो उस तरह आप हल्का सा किनोआ अपनी उंगलियों के बीच में रख के प्रेस करके देख लीजिए। तो सॉफ्टनेस से पता चल जाएगा कि ये अच्छे से कुक हो गया है या नहीं। तो हमारा किनोआ यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और आप देख सकते हैं सॉफ्ट होने के साथ साथ ये बिल्कुल खिला खिला भी है। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसको हम रख देंगे साइड में प्लेट में निकाल करके। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको तड़का लगाएंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल गरम गरम में आप तड़का लगा देंगे ना, तो ये इतना खिला खिला नहीं बनेगा। तो सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक ये ठंडा हो जाएगा, और तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। और आज हम इसमें बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही टेस्टी तड़का लगाने वाले हैं, प्याज टमाटर नहीं डालेंगे। तो सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और सबसे पहले ऑयल गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून राई दाना, या आप सरसों के दाने भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून उड़द धुली दाल। दाल डालना ऑप्शनल है, पर अच्छी लगती है तो अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले ली है लगभग 2 से 3 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली के दाने। मूंगफली से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, मूंगफली भी हेल्दी होती है, फिलिंग भी होती है। तो अब हम फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है, हाई नहीं रखेंगे फ्लेम, और मूंगफली को और दाल को थोड़ा सा हम क्रिस्पी होने देंगे। तो गोल्डन कलर का होने तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। और मूंगफली अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें और थोड़ा सा करी पत्ता। और मुझे हींग भी डालना था इसमें, जो कि मैं भूल गई हूँ डालना, मैं पहले डालती हूँ हींग। कोई बात नहीं, सूखा सामान ही हमने अभी सारा यूज़ किया है ऑयल में। तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग भी ऐड कर देते हैं। और वैसे तो हमने यहाँ पर 2 लाल मिर्ची यूज़ की है, पर साथ ही में मैंने यहाँ पर 2
हरी मिर्चों को भी लंबाई में इस तरह काट करके डाल दिया है। तो मिर्ची आपको जितना तीखा पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं, और सिर्फ 15 से 20 सेकंड्स तक हम मसालों को कुक करेंगे। और अब हम इसमें जो हमने बॉईल करके किनोआ रखा है वो ऐड कर देते हैं। तो किनोआ भी हमारे रूम टेम्परेचर पर आ गया था जितने हमने तड़का तैयार किया है। तो अच्छे से मसाले को किनोआ के साथ मिक्स कर देते हैं और अब हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही ढक करके मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो किनोआ अब हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। बट अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 नींबू का रस। तो नींबू का रस डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, टैंगी हो जाएगा। और हमारा गर्मा गर्म किनोआ अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही टेस्टी मील है ये और बहुत ही हेल्दी मील भी है, और वेट लॉस के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो आप इसको जल्दी से अपने घर में ट्राई करना, आई एम श्योर आपको इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और इजी टेस्टी क्विक हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल जीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको और भी बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे एक और नई रेसिपी नई वीडियो के साथ।